हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एडवांस एजुकेशन। कैसे बच्चे आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपके सामने फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिससे आप लोग क्या करेंगे, आपकी स्टडी में बूस्टअप मिलने वाली है। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, अगर टॉपिक की बात करूं तो देख सकते हैं आप लोग, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज एंड फ्लोटिंग बॉडी। ओके, तो नाउ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो बहुत ही सिंपल वे से हम समझाएंगे कि एक्चुअली में कोई बॉडी फ्लोट होती है और सिंक हो जाती है, जो कि बोलते हैं सबमर्ज बॉडी बोलते हैं, उसमें स्टेबिलिटी कैसी आती है। करेक्ट है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज अ सबमर्ज एंड फ्लोटिंग बॉडी, सिंक एंड फ्लोटिंग बॉडी, तो प्यार समझना, बहुत ही आराम समझना। सपोज मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, लाइक अ कंटेनर, ये देखो, इस कंटेनर में कोई भी आप लिक्विड डाल दे, सपोज मैं वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया सर, वाटर, यहाँ पर पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर पर या फिर ये कोई बॉक्स है या आपके पास जो भी है ना, यहाँ पर पूरा वाटर फिल है, क्या है, वाटर फिल, वाटर फिल, करेक्ट है, ये वाटर फिल, ओके, ये वाटर फिल है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, लाइक दिस, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने क्या कहा, ये जो है लिक्विड है, मतलब कि वाटर है, ये वाटर, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये कोई आपका कंटेनर है, करेक्ट है। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप कर देंगे, कैसे सर, देखो इसको उठा के यहां पर ऐसे पिक कर दो, एंट्री कर दो, है ना, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है ना। अब देखो दो दो कंडीशन लेता हूं मैं सॉलिड के केस में, ये जो है एक हो जाएगा हुड, एक हो जाएगा हुड और दूसरा हो जाएगा मेटल, एक हो जाएगा हुड और दूसरा हो जाएगा सर मेटल, क्या हो जाएगा, मेटल, एक हुड ले लिया एक मेटल ले लिया, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। इसे पिक कीजिए और यहां पर ड्रॉप कर दीजिए। अब दो कंडीशन हो सकते हैं कि सर, दो कंडीशन हो सकते हैं, क्या होगा सर, क्या होगा, देखो पहला कंडीशन की बात करूं तो ये पूरा सिंक हो गया, मतलब ये डूब गया, और दूसरी कंडीशन की बात करूं तो यहां पर कुछ फ्लोटिंग करके आपको देखने को मिलेगा, ये क्या देखने को मिलेगा, फ्लोटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर ये फ्लोट होते हुए देखेंगे। कंडीशन समझना, कंडीशन समझना, कोई ऑब्जेक्ट को मैं किसी वाटर में डाल दिया तो वाटर में क्या होता है, सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट आपके वाटर में डूब गया उसे बोलेंगे सबमर्ज या फिर सिंक, क्या बोलेंगे, सबमर्ज बॉडी बोल सकते हैं या फिर सिंक बॉडी बोलेंगे। ये हो गया बेटा आपका सिंक हो गया और ये हो गया आपका सबमर्ज, सबमर्ज, ओके। और सेकंड केस देख सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है फ्लोट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, क्या हो रहा है सर, फ्लोट हो रहा है, करेक्ट है, फ्लोट मतलब तैर रहा है। आप एंट्री कर देंगे कहां, वाटर में डाल दिया, आपको तैरने आता तो आप फ्लोट होंगे, लेकिन आपको तैरने नहीं आता तो आप डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि कोई बॉडी डूब गई, क्या रीजन है कि बॉडी फ्लोट हो गई, एक ही सिंपल रीजन है, ये है कि अगर मैं डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, समझते जाना ना, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है, इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है सर, फर्स्ट कंडीशन हो जाता है वाटर की डेंसिटी इज ग्रेटर देन बॉडी की डेंसिटी हो जाएगी, दूसरा कंडीशन क्या होगा, वाटर की डेंसिटी इज लेस देन बॉडी की डेंसिटी हो जाएगी, ये करेक्ट है, यस सर। जब आपका डेंसिटी ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द बॉडी होगा तो ये बात समझिए, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, बॉडी की डेंसिटी कम है, तो ये बॉडी क्या होगी, फ्लोट होगी, क्या होगी सर, फ्लोट होगी, समझ आ गई बातें, ये होगी फ्लोट। बट जब अगर मैं बात करूं, जब मैं अगर बात करूं कि वाटर की डेंसिटी कम हो गई और कोई मेटल हो गया, लकड़ी जो है हुड जो है, लकड़ी की बात करेंगे और मेटल की बात करेंगे, तो मेटल जो होगा उसकी डेंसिटी हम अज्यूम करते हैं कि वाटर की डेंसिटी के ज्यादा है, तो बॉडी क्या होती है, डूब जाएगी, क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, तो सिंक बॉडी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, सिंक हो, उसके लिए कंडीशन क्या होगा सर, जी सर। तो पहला पॉइंट आप लोग को समझ आ गया होगा, डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है आपके ऑब्जेक्ट से तो बॉडी क्या होगी, फ्लोट होगी, लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी जो है बॉडी की डेंसिटी से कम होगी तो सिंक हो जाएगी, करेक्ट है। यहां तक समझ आ गई, ये समझ आ गई, एक और एग्जांपल से देखेंगे, मेरे ख्याल से चीजें समझ आ गई। अब देखो यहां पर कुछ चीज बता रहा हूं, कुछ चीज देखो इस डायग्राम में, देखिए बेटा
सिंक और फ्लोट, है ना। ये बॉडी सिंक हो गई मतलब कि यहाँ पर जो मैं फिनोमिना बताया आप लोग को, ये बॉडी जो सिंक हो गई मतलब कि बॉडी का डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर की डेंसिटी होगी, वाटर की डेंसिटी होगी, करेक्ट है। दूसरी बात बताया यहाँ पर फ्लोट हो रही है, दैट मीन्स जो बॉडी की डेंसिटी इज लेस देन वाटर की डेंसिटी हो जाएगी। ये मेरी बात थी, आप लोग सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत है सर। ओके, अब क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझना। कोई बॉडी सिंक हो गई, कोई बॉडी सिंक हो गई, जैसे कोई बॉडी है, सिंपल अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं, कोई सॉलिड बॉडी है, तो वहां पर उसका जो वेट होता है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये बात एग्री करते हैं। किसी पॉइंट के अबाउट होगा, मान लो उसको मैं अगर एवरेज लेता हूं, तो एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सारे जो वेट है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट करता है, बिल्कुल क्लियर है? यस सर, क्लियर है। लेकिन उस बॉडी को जब लिक्विड में हम लोग मर्ज करते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो वहां पर समझना कि हमारा जो है बॉडी यहाँ पर सिंक हो गया या फिर फ्लोट हो गया, जैसे भी है, तो यहाँ से नीचे से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट है। जैसे जहाज की बात है, ये जो जहाज सिप दिख रहा है ना, सिप फ्लोट होते हुए चलता है, सिप फ्लोट होते हुए चलता है, उसका सेंट्रोइडल पॉइंट देख सकते हैं, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो आप, सिंपल सी बात है, कोई बॉडी को हम डालेंगे तो फ्लूट भी क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, सिंपल से रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स क्या होगा, जैसे मैं कोई 100 किलोन्यूटन का फोर्स अगर मैं लगाता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी पे, तो फ्लूड क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो नेट अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है उसे बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। क्या बोलते हैं सर? बॉयंसी फोर्स। समझ आ गई बातें? बॉयंसी फिनोमिना यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसे बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। मेरी बातें समझ आ गई? अभी आपको ये समझ आ गया कि बॉडी सिंक कैसे हुई, फ्लोट कैसे हुई, अब ये समझ आ गया कि फ्लूड भी एक फोर्स लगाएगा नीचे से ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में, जो अपोज करेगा उसे बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। मेरी बात समझ आ गई? अब देखो यहां पर समझना, ये देखो ये बॉडी है, ये डूब गया, सिंक हो गया, ये बॉडी है, ये फ्लोट हो रही है, ये बॉडी है फ्लोट हो रही है, ये बॉडी है सिंक हो रही है, तो बॉयंस फोर्स ऐसे लग रहा है, बॉयंस फोर्स ऐसे लग रहा है, करेक्ट है। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब मैं दो पॉइंट हमेशा से याद कराता हूं, जो कि अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि आपके पास दो बॉडी है, एक होता है सबमर्ज बॉडी, एक होगा सबमर्ज, सबमर्ज बॉडी की बात करेंगे, एक होगा फ्लोटिंग बॉडी, एक होगा फ्लोटिंग बॉडी, करेक्ट है। दो बॉडी का कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं मैं, एक हो गया फ्लोटिंग और एक हो गया सबमर्ज बॉडी। अब कुछ पॉइंट नोट करते जाना, जब बॉडी सबमर्ज हो गई, जब बॉडी डूब गई तो वहां पर बॉयंसी इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट आता है सर? बॉयंसी। लेकिन जब मैं बात करूं, किसकी बात करूंगा? फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी कहने का मतलब ये फ्लोट हो रहा है, ये ऐसे ऐसे तैरता रहता है, दिखता होगा आपको बॉडी, तो किसी पॉइंट के अबाउट वो ऑक्सीलेट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट हो रहा है, उसे बोलेंगे फ्लोटिंग बॉडी। उस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? मेटा सेंटर। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिला कि हम जब सबमर्ज बॉडी की बात करते हैं तो बॉयंसी इफेक्ट देखते हैं, बॉयंसी का कॉन्सेप्ट आता है, बॉयंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जब हम बात करते हैं फ्लोटिंग बॉडी की, तो ये यहां मेटा सेंटर कॉन्सेप्ट आता है। चल, ये बात क्लियर हो गई। दो कंडीशन आपका समझ आ गया कि जब बॉयंसी का केस होता है तो वो क्या होता है, बॉयंसी बोलता हूँ, सबमर्ज बॉडी का केस आता है तो बॉयंसी इफेक्ट आता है, जब मैं फ्लोटिंग बॉडी की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आता है, करेक्ट है? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेबिलिटी की ओर चलते हैं, मैं बहुत छोटा शॉर्टकट, मतलब चीजें बहुत कम बता रहा हूँ, कम इन द सेंस जितना आपको समझ आए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जब सबमर्ज बॉडी होती है तो वहां पर भी स्टेबिलिटी की बात किया जाता है, जब फ्लोटिंग बॉडी होती है तो वहां पर भी स्टेबिलिटी की बात किया जाता है। समझना चीज को यहां पर क्या हो रहा है बेटा? सबमर्ज बॉडी हो रहा है, ये है बॉडी, एक सबमर्ज हो गया, ठीक है, ये बॉडी एक सबमर्ज हो गया। तो यहां पर मैंने कहा बॉयंसी इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो जो बेटा आपका जो है सेंटर पॉइंट, ये जी पॉइंट हो गया, सीजी बोलते ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पर इसका वेट लगेगा डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, एक सीबी, सेंटर ऑफ बॉयंसी की बात कर देंगे, तो बॉयंसी फोर्स एड करता है। अब ये बॉडी स्टेबल कैसे होगा, तो मैं यहां पर एक फिनोमिना लेता हूं, आप ऐसा स्ट्रक्चर लेंगे आपके ऑब्जेक्ट का, कि वन साइड जो होगा वेटेड होगा और वन साइड होगा ऐसे लाइट वेट होगा, हैवी वेट और लाइट वेट,
करेक्ट है। तो आपको अगर पता होगा कि हैवी वेट और लाइट वेट की बात करूंगा तो वहां पर एक चीज याद रखना, जहां हैवी वेट होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर चला जाता है, उधर चला जाता है, लाइट वेट की तरफ नहीं हो, हैवी वेट की तरफ। तो यहां पर आप देखो चीजों को समझना, मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं जिससे आपको हैवी बॉडी समझ आएगा। मान लो ये जो है वेट है और इस टाइप का पैराशूट टाइप का मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, पैराशूट टाइप का स्ट्रक्चर बना देता हूँ लाइक दिस, है ना। ये देखो ये मैं एक बॉडी बना दिया, करेक्ट है, मैंने एक बॉडी बना दिया। ओके, तो हैवी वेट इधर दिख रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं इधर लेता हूँ, और अगर मैं बात करूं तो इधर क्या लगे, बॉयंसी इफेक्ट लेंगे सीबी। अभी मैं बता रहा हूँ, बस समझो, बस चीजों को समझो, ऐसे ही उसको मैं टिल्ट करने वाला हूँ, अभी क्या करना है उसको डिस्टर्ब करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक मेटा सेंटर वाला कॉन्सेप्ट पॉइंट की अबाउट देखेंगे, ठीक। चलिए तो सबमर्ज बॉडी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उसको मेटा सेंटर को ऐड कर लेंगे। चलिए तो देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई एक बॉडी को हम कंसीडर करते हैं, मान लो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, जो कि सबमर्ज है ना, ये फ्री सरफेस ऑफ द, ये सिंबल देता है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का। अब देखिए बेटा, यहां पर देखो कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, नीचे हैवी वेट डाल देता हूं और ऊपर लाइट वेट डाल देता हूं, ऊपर लाइट वेट डाल देता हूं, ये देखो ये लाइट वेट डाल दिया, ठीक है, ये लाइट वेट डाल, और इसका सेंट्रल लाइन जो है एक्सिस जो है ये हो जाएगा, एक्सिस ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बात करूंगा तो यहां पर इसका वेट लगेगा डब्ल्यू, है ना, सीजी, और यहां पर जो है सेंट्रोडल, मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी की बात करेंगे, सेंटर ऑफ बॉयंसी की बात करेंगे एफबी, सीबी, मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है। अब चलो इसको मैं डिस्टर्ब, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियर न्यूट्रल होता है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा सर, कोई बॉडी है उसको आप डिस्टर्ब कर दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंगुलर डिस्टर्बन कर देते हैं, एंगुलर डिस्टर्ब कर देता हूं लाइक दिस, इस टाइप का मैं डिस्टर्ब कर दूं, कुछ एंगल डिफ्लेक्ट होगा। तो एक कंडीशन ये होगा कि ये ना चाह के भी आपने ऐसे डिस्टर्ब किया, आपने ऐसे डिस्टर्ब किया, समझते जाना बेटा, है ना, या आपने डिस्टर्ब किया तो इसका जो एक्सिस ऑफ द एक्सिस है, जो बॉडी का एक्सिस है वो ये है, डिस्टर्ब करने के बाद ये ऐसे आ गया, ठीक है, और डिस्टर्ब करके छोड़ दिए, है ना, डिस्टर्ब करके छोड़ दिए, तो वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, ओरिजिनल पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा। तो इसे बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक कहानी ये हो सकती है, दूसरी कहानी आपने क्या है, डिस्टर्ब तो किया लेकिन वो भाई साहब और इधर रोटेट हो, बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, अपना ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मतलब कि अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहे हैं, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो कहानी, मैं एक एग्जांपल लिया कि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। तो देखो, देखते हैं, समझते हैं चीजों को, है ना, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्टर्ब किया तो देखो, पहला केस देखना, ये डिस्टर्ब होने के बाद एक्सिस ये मिला, बॉडी की एक्सिस क्या हो गई, ये मिल गई, बॉडी की एक्सिस ये मिल गई, पहला पोजीशन ये था, मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो यहां पर मैंने कंसिडर किया था कौन सा, सीबी, और यहां पर मैंने कंसिडर किया था सीजी, यहां पर वेट लग रहा था डब्ल्यू और यहाँ अपवर्ड वेट लग रहा था बॉयंसी फोर्स एफबी। डिस्टर्ब जैसे किया तो ये शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा सीबी, है ना, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सीजी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट लग रहा है ये डब्ल्यू और यहाँ पर जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है ये एफ, है ना, बॉयंसी फोर्स क्या एफबी लग रहा है, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कपल जनरेट होने वाला है, क्या होने वाला है सर, कपल जनरेट। ये देखो, अगर मैं बात करूं, ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये भाई साहब इधर फोर्स लगा रहा है। एक कंडीशन याद रखना, जो वेट है, जो बॉडी का वेट है वो एफबी के इक्विवेलेंट होगा सबमर्ज बॉडी के केस में। सबमर्ज बॉडी के केस में ये केस देखने को मिलेगा। तो देखो, तो ये भाई साहब जैसे आपने डिस्टर्ब किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये कपल जनरेट हो गया, ये क्या हो गया, कपल जनरेट हो गया और इसको अपोज किया, वापस अपने पोजिशन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे सर इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझते जाना ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन क्या मिला,
सीबी, सीबी इज अबव या फिर ग्रेटर देन लिखो या फिर अबव सीजी, मतलब कि आप देख सकते हैं इस कंडीशन में सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तब बॉडी क्या होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, तब बॉडी क्या होती है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। बट अगर इस पॉइंट को मैं सीजी लेता हूं, इस पॉइंट को मैं सी सीबी लेता हूं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे डिस्टर्ब किया तो टोटली डिस्टर्ब हो जाए, टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं कहानी ओवरऑल कहानी बताने का मतलब ये था, देखिए मैं रिजल्ट की बात करता हूं, मैं रिजल्ट की बात करता हूं, समझना रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट की बात करता हूं। तो देखो फर्स्ट केस ये हो सकता है सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज अबव, इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है सर सेंटर ऑफ बॉयंसी इज बिलो, बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है सेंटर ऑफ बॉयंसी इज इक्वल, इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। करेक्ट है, करेक्ट है, तीन केसेस समझ आ गई। मैंने क्या कहा सेंटर ऑफ बॉयंसी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके नाउ ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट जब सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पोजीशन में है तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल कंडीशन बोल सकते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये किस केस में बता दिया बेटा, मैं एक केस बता दिया मैं सबमर्ज बॉडी, सबमर्ज बॉडी, ठीक है, ये बात हो गई सबमर्ज बॉडी। अब मैं डायरेक्ट आप लोग को क्योंकि उस चीज को मैं अगर बताना चाहूं तो थोड़ा टाइम ले लेंगे, तो टाइम ज्यादा नहीं करते, चीजों को समझना, बस को रिलेट करना। मैं चाहता था कि एक चीज समझ आए दूसरा को रिलेट हो जाए। अब बात करूंगा मैं किसका, फ्लोटिंग बॉडी का, समझना। अब मैं बात करूंगा फ्लोटिंग बॉडी का, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बॉडी। तो यहां पर मैंने जिक्र किया था मैटर सेंटर, मैटर सेंटर और रिलेशन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे मैटर सेंटर मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मैटर सेंटर पॉइंट का। वहां पर सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात किए थे, तो यहां पर फिर अगेन मैं बात करूंगा कि मैटर सेंटर, मैटर सेंटर इज अबव, अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड, मैटर सेंटर इज बिलो, बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और भी क्लासेस लेंगे उसमें समझ आ जाएगा, अभी आप इतना ही समझिए। मैटर सेंटर इज इक्वल टू, इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो जब यहां पर मैटर सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे अगेन स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज नोन एज अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूं सर कि दोनों आपस में बराबर है एक ही पोजीशन में है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दोनों में कॉमन यही है कि आपका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर हो गया या मेटा सेंटर ऊपर हो गया तो स्टेबल बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो गया अनस्टेबल बोलेंगे, दोनों बराबर है तो न्यूट्रल कंडीशन में बात करूंगा। बस बसरते आप लोग को याद होना चाहिए कि अगर सबमर्ज बॉडी की बात होगी तो बॉयंसी का केस आएगा, अगर आपका फ्लोटिंग बॉडी की बात आएगी मेटा सेंटर की बात आएगी। तो यही बेसिक डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था, स्मॉल कॉन्सेप्ट में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम, किसी भी एग्जाम में उठा के देखो ये डायरेक्ट, डायरेक्ट आपको पॉइंट देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो क्लियर है बेटा, समझ आ गई, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। सिंक और फ्लोट बॉडी किसको बोलेंगे, जो सिंक होगा जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी बॉडी की वो सिंक हो जाएगा फ्लूट के कंपैरिजन में, और फ्लूट के कंपैरिजन में अगर बॉडी का डेंसिटी कम है वो फ्लोट हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम सबमर्ज बॉडी की बात करेंगे, सिंक बॉडी की बात करेंगे तो वहां पर बॉयंसी का इफेक्ट देखने को मिलता है, बट जब मैं फ्लोटिंग बॉडी की बात करूंगा तो किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट होने स्टार्ट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, स्टेबिलिटी
की बात करूंगा तो एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ऑलवेज ऑलवेज चाहे आप मेटा सेंटर की बात करो, बॉयंसी की बात करो, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा। दूसरी बात अगर अनस्टेबल की बात करेंगे तो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी हो तो बिलो होगा किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और दोनों आपस में इक्वल होगा तो न्यूट्रल पोजिशन बोलेंगे। ओके बेटा, यही इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आऊंगा जिससे आप लोग रूबरू होंगे और अपने स्टडी को बूस्टअप करेंगे। और देखिए ये एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, आने वाले टाइम भी आएंगे, तो समझ लो ये आपका एक नंबर पक्का। थैंक यू सो मच।